स्वागत है दोस्तों, टिक्स काड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टैक्स का दूसरा क्लास, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार का कर, यानी राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सा कर को लगाया जाता है, टैक्स को लगाया जाता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और अगला दो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी प्रत्यक्ष कर कैसा होता है और अप्रत्यक्ष कैसा होता है उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार के टैक्स के बारे में, यानी कौन कौन सा ऐसा कर है जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से ही देखेंगे। तो ट्रिक्स क्या है, क्रिस बी भूरा रोहत के साथ मोम का व्यवसाय अष्टाम पर कर, ध्यान दीजिएगा इसको। ट्रिक्स को याद करने के लिए थोड़ा सा क्लू हम आपको बताते हैं। जैसे क्रिस, एक क्रिस नाम का व्यक्ति था और एक रोहित नाम का व्यक्ति था, समझे। रोहित जो था उसका भूरा भूरा बाल था, समझे। तो क्रिस को बोला जाता है कि क्रिस भी भूरा रोहित के साथ, यानी जो भूरा भूरा बाल वाला रोहित है उसके साथ तुम मोम का व्यवसाय जो कर रहा है वो किस पर करना, तो अष्टाम पर करना। यानी अष्टाम पर अगर नहीं अगर करेगा तो, यानी पार्टनरशिपिंग में कर रहे हो तो धोखाधड़ी हो सकता है, समझे। इसलिए क्या करना, यानी अष्टाम करना, यानी अष्टाम पर करना। और अष्टाम पर करोगे तो यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा कि कितना पैसा उसको मिलेगा, कितना पैसा तुमको मिलेगा, तो वहां पर धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा, समझे। तो इस वजह से क्या कहा कि क्रिस बी भूरा रोहत के साथ मोम का व्यवसाय अष्टाम पर कर। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कि इसमें से हम लोग करते हैं इंप्लीमेंट इसको, ध्यान दीजिएगा। तो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो क्रिस से देखिए, यानी क्रिस में दो है तो ध्यान रखिएगा, एक हो गया कृषि कर। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कृषि कर जो है वो कौन लगाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा कृषि कर लगाया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा स से है तो सड़क कर। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सड़क कर जो लगाता है, यानी रोड टैक्स जो लगाता है वो कौन लगाता है, तो वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, न कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे बी है तो क्या हो जाएगा, बिक्री कर होगा। बिक्री कर, बिक्री कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा भूरा से क्या हो जाएगा, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर कौन लगाता है, तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा रोहत, तो रो से क्या हो जाएगा, रोजगार कर। रोजगार कर, उसके बाद हो से क्या हो जाएगा, यानी ह है तो ध्यान रखिएगा होटल कर, यानी होटल पर जो कर लगता है वो कौन लगाता है, तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। उसके बाद के साथ का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद मोम है तो म से क्या हो जाएगा, मो से होगा मोटर वाहन कर, ध्यान रखिएगा मोटर वाहन कर जो लगता है ना, ये भी कौन लगाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। और एक मनोरंजन कर, ध्यान रखिएगा मनोरंजन कर भी जो लगाता है वो कौन लगाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद व्यवसाय से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि, यानी व्यवसाय कर, व्यवसाय कर भी कौन लगाता है, तो राज्य सरकार ही लगाता है। उसके बाद अस्टाम्प पर है तो ध्यान रखिएगा, अस्टाम्प से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अस्टाम्प शुल्क की चर्चा किया जा रहा है, तो अस्टाम्प पर जो कर है वो कौन लगाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। अब प से क्या हो जाएगा, पंजीकरण कर। पंजीकरण कर, पूरा कर आपका आ गया। तो आप लोग भी जैसे हमें याद है आप लोग भी इस तरीके से आप याद इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके लिए ट्रिक्स क्या है, क्रिस भी भूरा रोहत के साथ मोम का व्यवसाय अष्टाम पर कर, क्योंकि अष्टाम पर अगर कोई भी अगर बात अगर लिखा हुआ रहता है तो उसको कानूनी रूप से ज्यादा उसको दिया जाता है वरीयत। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो क्रि से क्या हो जाएगा, कृषि कर, स से सड़क कर, वी से बिक्री कर, भू से भू राजस्व कर, रो से क्या हो जाएगा, रोजगार कर, ह से क्या होगा, होटल कर, के साथ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मोम से क्या हो जाएगा, मो से मोटर वाहन कर, म से मनोरंजन कर, उसके बाद व्यवसाय कर हो जाएगा, उसके बाद अष्टाम से अष्टाम पर, और उसके बाद ध्यान रखिएगा पंजीकरण कर। तो इस ट्रिक्स को आप लोग 2-3 बार इसको बोल दीजिएगा, यानी क्या है ट्रिक्स, क्रिस भी भूरा रोहत के साथ मोम का व्यवसाय अष्टाम पर कर, समझे। 3-4 बार इसको बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष को हम लोग देखेंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन हमेशा इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर आपको भी अगर किसी टॉपिक पर अगर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास जल्द ही करूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।